मतलब एक और बस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम कश्मीरी गेट पर हैं और ये है फ्लिक्स बस लाउंज। हमेशा की तरह ये काफ़ी साफ सुथरा है। आज की हमारी जर्नी दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक होगी। ये हमारी दिल्ली कश्मीरी गेट से कटरा तक की फ्लिक्स बस, और ये कश्मीरी गेट का प्राइवेट बस स्टैंड है। काफ़ी रश है भाई, हर तरफ बसों हैं। ये जर्नी लग्जरी फ्लिक्स बस की स्लीपर बस से होगी। लगभग 12 घंटे का ये शानदार सफर होगा। बस का इंटीरियर देखिए काफी शानदार और खूबसूरत है। सच्चे दरबार की पार्टीशन के लिए दिया हुआ है पर्दा, एसी वेंट, चार्जिंग केबल, कोर वेंट, कुछ पैसेंजर्स। कैसा लग रहा है? एक नंबर। गाइस, दिल्ली से निकल चुके हैं कटरा के लिए। बस हमारी फ्लिक्स बस है और इसका सर्विस बहुत ही बेहतर है, बहुत बेहतर है। जब भी जाए मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे कटरा, कटरा से हम लोग फिर माता वैष्णो देवी जाएंगे और फिर रिटर्निंग में शिवपुरी जाएंगे हम लोग। जैसा टाइमिंग रहेगा, 2 दिन का हम लोग का स्टे है वहाँ पर, उसका फिर रिटर्न दिल्ली को आएंगे। बाय। इस बस में आइए आप लोग और 500 रुपया भी आइएगा। दिल्ली में दारू बहुत सस्ती है, ओल्ड मॉन्क लीजिए, सबसे बेस्ट। उसका एक्सपीरियंस बता रहे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड मॉन्क खरीदें। तू पियक्कड़ है, सर्टिफाइड पियक्कड़। हेलो, यह मैं, ये जादू है जो वीडियो बना रहा है, और ये अबरार रण विजय भाई अबरार पीछे है और ढोलक भी पीछे है। हेलो गाइज, हेलो गाइस। आपका क्या नाम है? मेरा प्रकाश सिंह रखा गया है। आपका नाम नहीं रखा गया अभी। हेलो गाइस, हम लोग निकले हैं माता वैष्णो देवी के लिए। वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग चढ़ाई सीधा चढ़ेंगे। जो वीडियो बना रहे हैं वो जादू है और पीछे ढोलक है, और पाकिस्तान में हम माँ चोट के आ रहे हैं। हम बता रहे हैं आपसे ना, माँ मैं ही चोटूंगा, फिर हम बॉर्डर पर खड़ा होगा। दिल्ली से समय अनुसार रात के 8:30 पर हम निकल चुके हैं। हर तरफ काफी बसेस की फ्लीट लगी हुई है। टाइमली 8:29 में बस निकल गई है। ये फिर चुकी है।
दिन बाद जो पर्दा और बीच में ना आ हमारी तारीख बीच में पर्दा हमारा तुम्हारे बीच में पर्दा फोटो मेरा खींचा है दो तीन वो भेज देगा ब्लॉग बना रहे हो इसमें जल्दी भेजना अभी हद तुम मार समय मार सुबह चला दारू पी पी रहा जैसा कि आप सब देख सकते हैं हर तरफ काफी ट्रैफिक है। ये काफी आम नजारा है यहाँ पे। हाँ भाई बहुत लंबा लंबा होता है तभी तो है। ये काफी व्यस्त कश्मीरी गेट बस अड्डा रे इतना भयंकर जाम है भाई गजब ट्रैफिक है। ये SBT कश्मीरी गेट जबरदस्त जाम है सामने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। ये SBT कश्मीरी गेट सामने वाली बिल्डिंग सामने गुरुद्वारा मजनू का टीला है जो कि काफी खूबसूरत है। गुरुद्वारा मजनू का टीला ये मजनू का टीले पे कितनी जबरदस्त जाम है बस नेचर ब्रिज से हम निकल रहे हैं अभी दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज खजूरी के पास जबरदस्त ट्रैफिक लगा हुआ है। I like India very much. How Indian? आता जाता रहूंगा 6 महीने से यहीं हूँ। अच्छा। ये अयोध्या से चंडीगढ़ की CTU की बस है हाँ। अभी लेटेस्ट ही इसका लॉन्च हुआ है हाँ। अरे नहीं भाई वो ठीक है लगवा रहा है लेकिन जरूर कुछ ना कुछ बजेंद्र तो चल आयो तो। की बोल रही भाई अविनाश भाई हाँ जी मेरे भाई तुम इधर आओगे हम नहीं आएंगे ये हमें पतंजलि का पानी वाटर बॉटल भी मिला है सर्विस काफी सही है क्रिस्पी वेज अरे यार ये बर्गर किंग का बर्गर कालू जी ये बर्गर है हेलो गाइस जादू का लेने वाले हैं ओ बड़े क्या हाल है तो ये देखो ट्रैफिक क्या भयानक ट्रैफिक है भाई अरे यार बस हमारी बड़ोद बाईपास से होकर निकलेगी लेकिन अभी भी हम लोग फाइनली हम
दिल्ली से निकलते ही बागपत बाईपास से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रहे हैं। लगभग रात के 11:50 पर हम ढाबों के शहर मुरथल से गुजर रहे हैं। यह है मुरथल टोल प्लाजा। रात के अंधेरे में समालखा से निकल रहे हैं हम। समालखा
लगभग रात्रि के अंधेरे में हम पानीपत से गुजर रहे हैं। अभी 12:30 हो रहा है। हमारी बस काफी शानदार चल रही है। शानदार बस का रेस हो रहा है। अभी हम पानीपत से गुजर रहे हैं। रात के 2 बज चुके हैं। हमारी बस आधे घंटे के लिए मयूर ढाबे पर स्टॉप ली है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस ढाबे पे पैसेंजर्स के लिए खाने पीने के लिए अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ काफी लग्जरी बसेस खड़ी हैं। लगभग रात के 3 बजे हम अंबाला से गुजर रहे हैं और चलिए अब मिलते हैं सुबह। सुबह के 6:40 हो रहे हैं। नींद खुली तो हम होशियारपुर पंजाब से गुजर रहे हैं।
बाहर का मौसम काफी सुहाना और हल्की ठंड भी है। फाइनली हम दसुईया से पास कर रहे हैं, जल्द पठानकोट पहुंचेंगे। दासुईया से हम जलंधर जम्मू हाईवे को ज्वाइन कर चुके हैं।
बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। सुबह के 8:40 हो चुके हैं, पठानकोट आ चुका है। फाइनली हम लोग की एंट्री हो चुकी है जम्मू और कश्मीर पर। जम्मू रीजन में आते ही हम काफ़ी भीड़ भाड़ वाला लखनपुर पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह देखिए मार्केट काफ़ी व्यस्त लग रहा है। पठानकोट से आगे जम्मू में एंटर कर दिया। बाबा जी आपका क्या हाल चाल? बहुत बुरा हाल है, मैं मुझे बहुत जोर से पेशाब आई है। जो आनंदीलाल काठपीटिया के साथ हुआ, भगवान ना करे आप लोग साथ हो, उनको बहुत जोर से पेशाब लगी थी। मन तो कर रहा था तेरी भूमि देनी है। लोग कठुए पे
बस पहुंच चुकी है कठुआ के पास। ये है पठानकोट जम्मू हाईवे, हो रही है ये हमारी फ्लिक्स बस। काफी खूबसूरत नजारे हैं, दूर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र भी दिखाई दे रहे हैं। सुबह के 10:30 पर हम गुजर रहे हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से। बस काफी डिले हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यह है सांबा का फेमस चीची माता देवी मंदिर। और 11:20 पे हम जम्मू शहर में एंट्री कर चुके हैं। शहर के अंदर का नजारा सुबह के 11:30 बजे हम जम्मू शहर में दस्तक दे चुके हैं। बस काफी लेट चल रही है। देखिए जम्मू शहर के नज़ारे। और
जम्मू से निकलते ही हम पहाड़ों पर चढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। चढ़ाई हो रही है पहाड़ों पे टुवर्ड्स कटरा। काफी खूबसूरत नजारों का आनंद उठाइए कटरा तक। हमारी बस अभी बजालता से निकल रही है। बस का इंटीरियर काफी खूबसूरत लग रहा है। यह है तावी नदी। ये हमारी बस का चालान कट रहा है वहाँ। हमारी बस का बार बार चालान पे चालान कट रहा है। ये आप सब देखिए बस का चालान पे चालान बार बार वहाँ भीड़ लगी हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे
बस को खड़ा करके बार बार चलान कट रहा है। ये देखो नजारे। सामने रैम्बो जू है बगल में। घूमते हुए हमारे पास एकदम स्टॉप पे यहाँ पे आएगी। ये काफी शानदार व्यू पॉइंट है। चेक पोस्ट है, हमारी बस को आते तो रोक रहे हैं। ये भाई बाढ़ 1-2 प्लाजा अभी हम काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं, खूबसूरत व्यूज दिखाई भी दे रहे हैं। पहला टनल पार करते ही काफी खूबसूरत व्यूज दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों में यात्रा करने का अलग ही मजा है और शानदार व्यूज देखते ही देखते दूसरा टनल भी आने वाला है। वो सामने एक और टनल आ गया।
चौथा टनल लाइन से टनल पे टनल बढ़ रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? ये हो गए अभी सीरियस, इनको लगता है लाइन छूट गई है, कुछ बोलना नहीं चाहते। बोल ले भाई बोल। क्या बोले? फाइनली हम जम्मू श्रीनगर हाईवे को छोड़ के रियासी डिस्ट्रिक्ट वाली स्टेट हाईवे को पकड़ चुके हैं। पहाड़ों में हर तरफ हरे भरे पेड़ और वादियों से होते हुए जल्द हम माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचने वाले हैं। चेकिंग के लिए रुकी है, हम सब का चेकिंग हुआ, सिक्योरिटी चेक। ये है छोटा दुकान का स्पॉट। तो हमारी बस आ चुकी है, अब चेकिंग के बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं। कट
फाइनली हम कटरा शहर पहुंच चुके हैं। त्रिकुट की विशाल पर्वत श्रृंखला भी दिखाई दे रही है। पवित्र नगरी कटरा में आप सबका स्वागत है। ये है जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन। इन्हीं त्रिकुट की पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी का दरबार लगा हुआ है। क्लार्टिन जिंजर होटल कटरा में काफी ऑप्शंस हैं रहने के लिए। ये हमारा प्राइवेट बस स्टैंड। हेलो, द एंड ऑफ द जर्नी। यू आर क्लास मेट इन नेक्स्ट जर्नी विद यू। टिल देन गुड बाय। थैंक्स अ लॉट। तो ये जर्नी यही ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। ये है कटरा शहर। ये है कटरा का चौराहा। हम लोग निकल चुके हैं। ये देखिए, ये है कटरा शहर। इतना हम लोग अभी नीचे से ही चढ़ाई करके इतनी ऊंचाई तक आए हैं। काफी खूबसूरत नज़ारा है।